हेलो गाइस, वेलकम टू GTA नेशन। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने GTA के मॉड में हम कैसे पैड को इंस्टॉल करते हैं, कैसे उनको टास्क असाइन करते हैं कि वो हमें फॉलो करें। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस में देखे होंगे कि वो अपना अलग से मिशन क्रिएट करते हैं एंड बहुत सारे बॉडीगार्ड्स, गनर्स एंड पेट्स को वो इंस्टॉल कर देते हैं, स्पॉन करते हैं, जिससे वो उनको फॉलो करते रहते हैं एंड उनसे उसकी उनकी स्टोरी जो है वो एक रियल रियल वर्ल्ड की तरह दिख। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम कैसे पेट को इंस्टॉल करेंगे, कैसे स्पॉन करेंगे और उनको कैसे हम टास्क असाइन करेंगे कि वो हमें फॉलो करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना मीनू ट्रेनर को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास मीनू ट्रेनर नहीं है तो आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाइए, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी, लिंक मिलेगी जिसको आप ओपन करो और उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप मेनू ट्रेनर को कैसे इंस्टॉल करोगे। तो सबसे पहले आपको मेनू ट्रेनर इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपके पास ऑलरेडी मेनू ट्रेनर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट स्पूनर पर आएँगे। ऑब्जेक्ट स्पूनर पर आने के बाद स्पूनर मोड को ऑन करेंगे। स्पूनर मोड को ऑन करने के बाद आप देखोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको एक प्लस आइकन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्पॉन एंटिटी इनटू वर्ल्ड में। यहाँ पे आके मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट, पैड एंड व्हीकल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन बाइक को स्पॉन करेंगे एंड तीन पैड को भी स्पॉन करेंगे और उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो हमें फॉलो करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हीकल्स को स्पॉन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाइक्स पर आते हैं, मोटरसाइकिल्स, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बाइक स्पॉन कर देता हूँ। यहाँ पे सेकंड बाइक ये दे देता हूँ एंड थर्ड बाइक में ये वाली बाइक को असाइन कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके आने के बाद बैक आते हैं, एक और बैक, और फिर पैड ऑप्शन में आते हैं। अब जैसे ही आप पैड ऑप्शन ओपन करोगे, आप देखोगे यहाँ पर आपको कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि एनिमल्स, एम्बियंट फीमेल्स, मेल्स, गैंग फीमेल्स और स्टोरी मॉडल्स। तो यहाँ पे मैं स्टोरी मॉडल्स में अपने मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन, एज अ फ्रैंकलिन हूँ, तो मैं ट्रेवर और माइकल और लेस्टर को स्पॉन करूँगा। तो आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो में देखे होंगे कि ऐसा ग्रुप डिस्कशन होता है जहाँ पर माइकल और ट्रेवर, फ्रैंकलिन चारों एक साथ होते हैं, तो वो यही मॉड को यूज़ करके वो स्पॉन करते हैं एंड देन अपनी स्टोरी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम स्टोरी मॉडल्स में आते हैं। स्टोरी मॉडल्स पे आने के बाद हम ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कैरेक्टर को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ट्रेवर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। और ट्रेवर को सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने कीबोर्ड से AWSD से राइट एंड लेफ्ट करूँगा और यहाँ पर मैं माइकल को असाइन करता हूँ, ठीक है। तो माइकल, तेरा माइकल, माइकल को मैंने यहाँ पे स्पॉन करा दिया और माइकल के बाद मैं लेस्टर को स्पॉन करा देता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेस्टर को भी स्पॉन करा दिया। अब आप देखोगे मैंने तीन व्हीकल्स और तीन कैरेक्टर को स्पॉन करा दिया। अब क्या करना है, हमें इनको टास्क असाइन करना है। तो टास्क कैसे असाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेस्टर पर आएँगे एंड आने के बाद आप देखोगे यहाँ पर अपने माउस से ऊपर करोगे तो लेस्टर पर आने के बाद ये कुछ ग्रीन प्लस आ रहा है। जैसे ही ग्रीन प्लस आए, वहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। और जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे, आप देखोगे कि लेस्टर का एक मेनू ओपन हो जाएगा। आपको ध्यान दें, यहाँ पे आप एंटिटी जो है वो डेटाबेस उसको चेक होना चाहिए ताकि ये पेट जो है वो गायब ना हो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, आपको ये टास्क सिक्वेंस एंड पेट ऑप्शन पे दो पे काम करना है। तो सबसे पहले हम पैड ऑप्शन को ओपन करते हैं। पैड ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको पहला जो ऑप्शन मिलेगा वो रहेगा आपका रिलेशनशिप। तो हमें बताना है कि इस पेट के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या रहने वाला है। आप यहाँ पे देखोगे स्पूनर फ्रेंड्स, स्पूनर एनिमीज और स्पूनर न्यूट्रल। तो यहाँ पे मोस्टली हम दो ही यूज़ करते हैं, स्पूनर फ्रेंड्स और एनिमीज। एनिमीज तब यूज़ करते हैं जब हमें फ़ाइट कराना रहता है। आपने वीडियोज़ में देखा होगा ना कि गैंग्स के साथ फ़ाइट्स होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर को स्पॉन कराते हैं एंड दोनों के बीच में फ़ाइट कराते हैं। एक को हम फ्रेंड्स असाइन करते हैं और एक को हम एनिमीज असाइन करते हैं। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको फॉलो का बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको फ्रेंड्स पे सेलेक्ट कर देता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं लेस्टर को टास्क असाइन करता हूँ।
तो टास्क असाइन में मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पे मुझे दो टास्क असाइन करना है, जो कि पहला टास्क रहने वाला है किसको मैं बाइक कौन सी असाइन करूँगा, और सेकंड टास्क जो रहने वाला है वो किसको फॉलो करेगा और वो कब फॉलो करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे करता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे ड्राइव एंड फॉलो एंटिटी। अब यहाँ पे आप आके इंटर करो एंड वापस से उस ऑप्शन को ओपन करो बैक करके, तो यहाँ पे आपको देखोगे कुछ कस्टम सेटिंग्स देखने को मिलेगी और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि पहला है वो ड्यूरेशन, कि वो कितने सेकंड में आपको फॉलो करे। तो आप इसको मिनिमम कर दो, मिनिमम 1 कर दो। इसकी स्पीड क्या रहने वाली है, इसकी स्पीड मैं कर देता हूँ 160 कर देता हूँ, 160 अप्रॉक्स जितनी भी है। और ड्राइविंग स्किल जो है उसकी, वो मैं क्या कर देता हूँ, रेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस, वो मुझसे कितनी दूरी पे रहेगा, मैं यहाँ पे उसको 1.0 कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं सेल्फ पे असाइन कर देता हूँ, ये जो है कैरेक्टर ये मुझे फॉलो करेगा। तो मैं इंटर करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे चेक मार्क आ गया, इसका मतलब अब ये पेट जो है, ये कैरेक्टर जो है, ये मुझे फॉलो करेगा, ठीक है। तो बैक, अब यहाँ पे सेकेंड जो टास्क देना है वो ये देना है कि ये किस व्हीकल में जाके बैठेगा। तो सेकेंड टास्क हमें असाइन करते हैं, नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटर व्हीकल करके एक ऑप्शन होगा, इसको हम ओपन करते हैं एंड वापस से आके इसको हम इंटर करते हैं। अब आप देखोगे कि ये पूछ रहा है ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, कितने सेकेंड में वो जाके उस व्हीकल पे बैठेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 0.5 कम से कम करता हूँ, और सीट जो है वो अपनी ड्राइवर की सीट देता हूँ उसको। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि व्हीकल्स कौन सी व्हीकल पे आपको इसको असाइन करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने 3 व्हीकल्स को जो स्पॉन की थी, तो ग्रीन सिग्नल से वो बता रहा है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ट्रेवर के साइड में है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेस्टर के बाजू वाली जो व्हीकल्स है उसको असाइन कर देता हूँ। यहाँ पे लेस्टर का काम ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम अपने माइकल पर, तो माइकल को भी सेम वैसे ही हम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पैड ऑप्शन में आके फ्रेंड्स असाइन करेंगे, और टास्क सीक्वेंस में सेम 2 टास्क हम उसको असाइन कर देंगे, जो कि पहला अपना ड्राइव एंड फॉलो एंटिटी रहेगा, फॉलो इन सेकेंड्स, स्पीड जो रहेगी उसकी वो मैक्स स्पीड रहेगी, और ड्राइविंग स्किल जो रस्ट, मिनिमम डिस्टेंस 1.5 और 1.0, सेल्फ जो फॉलो करेगा, देन सेकेंड जो है वो अपना रहेगा इंटर व्हीकल, इस व्हीकल में जाके बैठेगा वो। सेकेंड वाली जो है हम इसको ये असाइन करते हैं, ड्राइवर की सीट पे रहना है उसको, और ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड में वो जाके बैठेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ड्राइवर के साइड में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेम उसको भी असाइन करते हैं, रिलेशनशिप में फ्रेंड, टास्क सीक्वेंस में 2 टास्क असाइन करेंगे, पहला ये, एंड ड्यूरेशन को मैं कम कर देता हूँ, स्पीड को बढ़ा देता हूँ, क्या ड्राइविंग स्किल रस्ट रखता हूँ, एंड मिनिमम डिस्टेंस 1.0 रख देता हूँ, एंड सेल्फ। और सेकेंड जो टास्क रहने वाला है वो है अपना इंटर व्हीकल। अब व्हीकल में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर व्हीकल पे क्लिक करना है एंड थर्ड ऑप्शन पे इसको ओके कर देना है, एंड सीट अपनी ड्राइवर रहने वाली है और ड्यूरेशन 1.0 रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन तीनों को टास्क असाइन करा दिया है, अब इनको क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने टास्क सीक्वेंस पे ही वापस से जाना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लेस्टर को दे रहा हूँ, तो राइट क्लिक करूँगा और टास्क पे आऊँगा और स्टेटस जो है उसको मैं इंटर करके एक्टिवेट कर दूँगा। अब आप देखोगे ये लेस्टर जाके अपनी बाइक पे जाके बैठ जाएगा, और ये वापस आके जहाँ पे भी मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, भाई तू क्या कर रहा, आराम से आना, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा तो वो मेरे पास फौरन आ गया, ठीक है। तो माइकल को भी मैं सेम असाइन कर देता हूँ, टास्क सीक्वेंस एक्टिवेट। ड्राइवर को भी मैं क्या करता हूँ, टास्क सीक्वेंस एक्टिवेट। अब आप देखोगे कि मैं बैक आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी बाइक लेता हूँ। अब बाइक लेके मैं जहाँ भी जाऊँगा आप देखोगे ये मुझे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो मैं अपनी बाइक को जो है यहीं पे ही घुमाता हूँ, आप देखोगे तीनों लोग मुझे फॉलो करने के लिए आ रहे हैं। अब आप देख सकते हो ये बाय रोड आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रोड के थ्रू चलता हूँ। अब आप देखोगे तीनों मुझे फॉलो करते आ रहे हैं। अब मैं अगर रुकूंगा तो ये भी अपनी बाइक रोक देंगे,
फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तो ये अपनी बाइक को चालू करके मेरे पीछे आ जाएंगे। तो इस तरह आप अपने पेट्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें मॉड्स इंस्टॉल करने हैं। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई और मॉड इंस्टॉल करना है कि कोई हेल्प चाहिए मॉड से रिलेटेड तो आप कमेंट करें मुझे, मैं कमेंट रीड करूंगा आपका और उसके हिसाब से मैं वीडियोस को बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।